धूप दीजिए एक। शंकर भगवान के लिए दो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह तो मैं उठ चुका हूँ, ये राहुल और विक्रम अभी भी सो रहे हैं। आज बहुत काम है, कपड़े भी धुलाई करना पड़ेगा वो, उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में। आज सब्जी वगैरह भी नहीं है, कुछ भी लाना पड़ेगा और कपड़े भी धुलाई करना पड़ेगा आज, क्योंकि कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके हैं। अकेले हैं जो रहते हैं, मतलब घर से बाहर जो जितने भी लोग रहते हैं या काम करते हैं या बिज़नेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं, अकेले में जैसे कि वो खाना पकाना, खाना बनाना, खाना कपड़ा धुलाई सब कुछ अकेला करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है अकेले रहने से। सो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, कैंटीन वगैरह में जो लोग हॉस्टल वगैरह पे रहते हैं, कैंटीन रहता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब वगैरह भी करते हैं तो उनका कैंटीन रहता है, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन मेरा मानो तो खुद, मतलब सब कुछ करो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, बेटर लगता है, क्योंकि खुद अगर कपड़े धुलाई करेंगे, खाना बनाएंगे, तो इससे क्या होता है, आप डे बाय डे आप एक्टिव रह सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं। सो मेरा तो खुद ही करना सब कुछ अच्छा लगता है। सो अभी राहुल और विक्रम अभी भी सो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा किराने के शॉप पे भी जाना पड़ेगा। और लास्ट ब्लॉग मैंने जो अपलोड किया था फोटोशूट ब्लॉग, तो उसमें हम लोग 3 तारीख को उसको शूट किए थे, तो मैं उसी 4 तारीख को मैं अपलोड किया, लेकिन 3 तारीख का मैंने डेट डाल दिया था। ऑल राइट, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं। ये देखिए, कल रात को राहुल ने पूरा एकदम सेट किया है, बहुत खूबसूरत तरीके से सजा के रखा हुआ है, ज़्यादातर वही ये सब करता है। बहुत अच्छा, मतलब साफ सुथरा रहना उसको भी पसंद है। अच्छा, ये मेरा मैं चार्ज है कि नहीं है, चार्ज खत्म हो गया शायद। तो चार्ज खत्म हो गया इसका, चार्ज करना पड़ेगा इसको, अभी रख देते हैं। चार्जर कहाँ रखे है वो भी देखना पड़ेगा। सो कपड़ा कौन सा धुलाई करें, ये इसको धुलाई करेंगे, ये शर्ट गंदा हो गया है, इसको भी धुलाई करूँगा, पैंट को भी, ब्लैक कलर का ये भी थोड़ा गंदा हो गया, इसको भी धुलाई करना पड़ेगा। ओके, सो मैं अभी कपड़े भिगो देता हूँ, उसके बाद जाएंगे किराने के शॉप पे, आने के बाद खाना पकाएंगे। इसको भी उतारना पड़ेगा क्योंकि ये भी गंदा हो चुका है। सबको धुलाई करेंगे आज। अभी ये कपड़े को भिगा के रख देते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद इसको धुलाई करेंगे। ऑल राइट, कपड़ा तो मैंने भिगा दिया है, इसको भिगाएंगे किराने के शॉप से आने के बाद। विक्रम उठ चुका है, क्या बनाएंगे खाने में, क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं, क्या लाएंगे बोलो ना, क्या लाएंगे? दाल तो कल बनाए थे, दाल भी नहीं है, खत्म हो गया, जितना था पूरा बना दी। मुंह धो लो, उसके बाद दोनों चलते हैं, जो मिलेगा लाएंगे, उसके बाद पकाएंगे ना। सो अभी मैं और विक्रम जा रहे हैं सब्जी, इसको लेके आ जाओ,
तो मैं और विक्रम जा रहा हूँ अभी किराने के शॉप पे और सब्जी लेने के लिए। आंटी अदरक नहीं है आंटी? लसका हो गया और दस इधर 10 रुपये का हुआ। मटर पालक टमाटर फूलगोभी कितना हो गया? हो गया 20, 30, 50, 40, 90। हेलो अंकल जी नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछो क्या हम लेना चाहते हैं। सब बस बेटा जा, मत गिरा टमाटर पहले इतना बहुत है ना, तुम्हें बनाते रहते। ये लो और बोल। इतना दे दिए हाँ हो जाएगा। और नहाने का साबुन ये वाला अच्छा नहीं लगता है उतना। तो एक काम करो ये ले लो, हाइब्रिड ले लो। विवेल आउट ऑफ कंट्री में जाता है। ये कितना करके है? ये अपना अमेरिका में भी सप्लाई है इसका। डोनाल्ड ट्रंप यही लगाता था पहले। कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं यार। डोनाल्ड ट्रंप लगाता है ना, और ओबामा नहीं लगाता था शायद, इसलिए काला रहता है, कम लगाया। उसका हमारा पूछा था लेकिन वो क्रेडिट पूछा माल। अच्छा, नहीं भरोसा नहीं इसीलिए। चने काले चने? काले नहीं लाल चने। वो अदरक लाए कौन गया मार्केट में गया साहब? बढ़िया प्याज आया हुआ देखो। डाल दीजिए दाल, प्याज लहसुन सब है। रूस से मंगाया हूँ प्याज। रूस से? हाँ जी। नहीं चाहिए, मैं जापान वाला लाइएगा। इंडियन हो के यहाँ पर रशियन जापान रूस से सामान लाते हैं। कतई जहर है आदमी है आप। डाल दीजिए आधा किलो। अच्छा है। हाँ, उसका फेवरेट था किंग जोंग का। हाँ। इसलिए ज्यादा शासन करता है ना। हाँ, बहुत कड़क अच्छा स्ट्रीक है उसका देश ना। करना हाथ की बात है। अच्छा लाल दाल खा के ना। हाँ, डेंजर में रहता लाल। अच्छा। धूप दीजिए एक शंकर भगवान के लिए। शंकर भगवान के। धूप लगाया था पार्वती कैलाश पर्वत। तब इसका आविष्कार हो गया था ना। हाँ जी। ये मंगलदीप है। हाँ, ITC का है। ठीक है हो गया। ओके लाओ ATM लाओ। ATM ले। चलते हैं, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अंकल बहुत ही कॉमेडियन है, हमेशा कॉमेडी करते रहते हैं। और सामान वगैरह सब कुछ ले लिए, अभी जा रहे हैं रूम पे। अभी तो किराने के शॉप से सामान वगैरह लाए हैं। आज बनेगा दाल चावल और पालक। तो चावल तो मैंने बैठा दिया है। आज विक्रम बनाएगा पालक और मैंने राइस बना लिया है। सो अभी मैं अभी कपड़े धुलाई करने वाला हूँ। कपड़ा धुलाई करने के बाद एक नहा लूंगा। ओके तब तक राहुल तुम इसको उठा के पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। झाड़ू लगा कर पोछा लगा देना। yes. ठीक है। ओके सो तुम्हारा भाई कपड़ा एकदम चकाचक चमका दिया है धुलाई करके, और साथ ही साथ नहा कर भी एकदम टनाटन डायमंड जैसा चमक के आया है। सो अभी हम लोग खाएंगे खाना ना। हाँ
सो सब कुछ बन चुका है, अभी हम लोग खाएंगे खाना। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूले, जरूर कमेंट करें हम लोगों को, क्योंकि हम जैसे चिरकुट लोगों को कमेंट करना बहुत जरूरी है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय एंड जय हिंद।